अपनी भाषा अपनी संस्कृति को देना चाहिए, और यदि देंगे तो उससे आपका कल्याण होगा, आपके बच्चों का भला होगा, जहां रहेंगे गौरव के साथ रहेंगे। और यदि ये नहीं है, और यदि आप यहाँ की नकल करना चाहे, आप यानी कैनेडियन से ज्यादा कैनेडियन बनने की कोशिश की है दौड़ में आकर के, तो क्या दुर्गति होगी इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अभी परिणाम बहुत भयंकर होगा, इसलिए अभी से सावधान हो जाओ आप लोग। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक जगह यहाँ पर खरीद ली, यहाँ 100-200 आदमी बैठ सकते हो, अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हो, यहाँ पर एक मंदिर होगा भगवान का, आपके बच्चे आएंगे कम से कम उनमें संस्कार हो, इस प्रकार से आप अपना कल्याण कर सकेंगे, बच्चों में एक संस्कार दे सकेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं पहले भी दो बार आ चुका हूँ आपके शहर में, पहले भी आ चुका हूँ और देख चुका हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है हर एक जगह भारतीयों की यही स्थिति है। यही नहीं, यहाँ देखकर हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, हर एक जगह यही स्थिति है। बुद्धि कितनी है उनकी, इस काम में कितनी लगती है, ये तो आप लोग स्वयं जानते हो, इसकी मीमांसा करने की मेरी जरूरत नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा आप लोगों से कि यदि अपने बच्चों को अपना धर्म, अपनी भाषा, अपने संस्कार नहीं दिए, तो आपके बच्चों को आपने कुछ नहीं दिया है, याद रखना। लायक होंगे तो कमा लेंगे, नालायक होंगे तो जो आप कमाए उसको नाश कर देंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है यूपी की, शायद आपके यहाँ भी हो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका पुत्र कपूत है, उसके लिए मेहनत करके इकट्ठा करना रुपया व्यर्थ है, वो नाश कर देगा। यदि आपकी संतान लायक है, तो उसके लिए भी कमा कर इकट्ठा करना व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने आप कमा लेगा। आपको भारत से कितने दारू लेकर के आए थे यहाँ पर, सोचो पहले कितने दारू लेकर के आए थे, बताओ सोचिए। इसलिए आपको कौन, आपको क्यों इतनी यानी चिंता है कि हम बच्चों के लिए डॉलर इकट्ठा कर जाए। जब आप यहां आकर के मेहनत से खड़े हो गए, तो आपके बच्चे क्यों नहीं खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनको धर्म दीजिए, उनको संस्कार दीजिए, उनको अपनी भाषा दीजिए, इससे वो आनंद मगन रहेंगे, वो लेंगे। इसके सिवा आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को इस प्रवाह को ही विश्राम देता हूं। इसके बाद में यदि कोई अंग्रेजी में सुनना चाहेगा तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं विश्राम कर रहा हूँ। बहुत श्यावर रामचंद्र की जय। अभी मैं यहाँ पर हूँ, कितने मिनट तक हूँ यार, हाँ चार रोज में, और रोज सात किन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, मैं बोलूंगा 7 बजे से। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में आई, मेरे विचार सुनी, उसको अपने दिमाग में रखिए। आप ये ना सोचिए कि मैं आपके बच्चों को समझा दूंगा, मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं जिस स्तर पर हूं बच्चे नहीं समझेंगे, हम आपको समझाएं, आप आगे अपने बच्चों को समझाएं, ये ज्यादा सरल तरीका हो। बात समझे, आप मेरे से अच्छा समझ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, और 4 दिन में मैं आप लोगों को इतना समझा सकता हूं जो 4 वर्ष में आप नहीं पढ़कर समझ सकते। ये बात याद रखें, हमारे जीवन से संबंधित कोई ऐसा विषय नहीं है जो मैं आपको न समझा सकूं। इतिहास से लेकर के, दर्शन से लेकर के, नीति से लेकर के, एथिक्स से लेकर के, रिलीजन से लेकर के, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको समझा न सकूं। और सारे सब्जेक्ट में आपको समझा सकता हूं, 4 दिन में बहुत सी बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को। आइए यहां सुनिए, रोज सुनना है आपको, रोज सिनेमा देखने है, रोज मूवी देखनी है, रोज टेलीविजन और वीडियो देखना है, लेकिन ये 4 दिन बंद कीजिए, 4 दिन बंद करके यहाँ आइए और सुनिए, और उससे आप लोग सुन करके आपके दिमाग में आएगा, आप अपने बच्चों को समझाएं, बहुत कुछ दे सकेंगे बच्चों को, याद रखना। और सवेरे जो लोग साधना समझना चाहें, योगा सीखना चाहें, मेरे पास आ सकते हैं, मैं राधेलाल जी के यहाँ ठहरा हूँ बड़े प्रेम से, और किसी विषय में किसी को प्रश्न उत्तर करना हो, बड़े प्रेम से आइए। मैं तो यहाँ के लोगों को इन्वाइट करता रहता हूँ कि मेरे पास आओ, प्रश्न उत्तर करो। तो आप लोग किसी विषय में जिसको जो शंका हो, हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदुस्तान से संबंधित, इतिहास से संबंधित, बड़े प्रेम से मेरे से पूछिए। इसके बाद में भी आप पूछ सकते हैं आप मेरे से, और सुनिए, समझिए, आगे अपने बच्चों को समझाइए, यही आपका परम धर्म है, यही आपके लिए वैल्यूएबल है, इज मोर वैल्यूएबल देन डॉलर। ओके, और इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को स्थगित करता हूँ, फिर आप लोगों से बात करूंगा। बहुत श्यावर राम स्वामी जी की जय। Yeah, I would like to extend my thanks to Swamiji for his speech today, and as he has told you that he is going to be with us for the next 4 days, and we'll have his pravachan every day starting at 7 o'clock in the temple, every evening, starting tomorrow. So those of you who are interested in that, listening to that.